और दोस्तों यहाँ देखो नज़ारा, लाइन से यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा लगा हुआ है और लकड़ी की आग से यहाँ पे देख सकते हो चूल्हे पे सारे चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। तो इधर मछली फ्राई हो रहा है, उस पतीले में मटन बन रहा है और इस चूल्हे पे हमारा चिकन को बनाया जाएगा देहाती स्टाइल में। और ये देखो भाई साहब चिकन का कलर, और चिकन जो दीदी भून रही है ना अभी से ही सारे मसाले डाल दिए गए इसमें और काफी अच्छी खुशबू आ रही है चिकन से, बिल्कुल देसी स्टाइल से यहाँ पे आज हमारा देहाती स्टाइल में चिकन को बनाया जा रहा है। हाँ सब हम लोग का जब से होटल खुला है तब से हम लोग तब से ही खा रहे हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ का खाने का टेस्ट? क्या 5 स्टार से तो अच्छा ही है, है ना? बड़ी होटल है पर टेस्टी मिलता है। मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एक बार यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, कभी कभी टेस्ट करके जाना चाहिए, 5 स्टार से अच्छा है, क्योंकि इस तरह का जो खाना है 5 स्टार होटल में भी आपको खाने को नहीं मिलेगा। और ये देखिए चिकन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं। इसे हम जल्दी से टेस्ट करते और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। नमस्ते जोहार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं हूँ आलोक और अभी हम आ चुके हैं खूटी के भौजी होटल जो कि कचहरी के पास में है। तो यहाँ पे काफी स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है आपको, तो आपको यहाँ पे नॉनवेज के सारे आइटम खाने को मिल जाएंगे, चिकन मटन फिश अंडा करी सारा चीज आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आज भी बिल्कुल देसी अंदाज में सारे खाने को बनाया जाता है, मिट्टी की चूल्हे पे लकड़ी की आग से सारे खाने को तैयार किया जाता है और यहाँ पे सारे दीदी लोग मिलके सारे खाने को तैयार करती हैं। और यहाँ आज भी बिल्कुल 50 साल वाला देसी स्टाइल में मसालों को तैयार किया जाता है, जिसे कि आज भी यहाँ पे सिलवट्टे पे तैयार किया जाता है। आप बहुत सारे होटलों में या शहर वाले एरिया में जाते हो वहाँ पे मिक्सी का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आज भी सिलवट्टे पे पीस के ही सारे मसालों को तैयार किया जाता है, उसी मसाले से चिकन मटन और मछली बनाया जाता है। और यहाँ पे सारे खाने को बिल्कुल देसी अंदाज में मिट्टी के चूल्हे पे और लकड़ी से बनाया जाता है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे खाने को बनाया कैसे जाता है उसके आपको पूरी मेकिंग दिखाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। और अभी इस चूल्हे पे मछली को फ्राई किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एकदम सारी जो चीजें है ताजी और फ्रेश खिलाई जाएगी। और सब अभी के टाइम पे सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप देख सकते हो लाइन से सारे चूल्हे लगे हुए हैं और आज भी बिल्कुल देसी अंदाज में मिट्टी के चूल्हे पे और लकड़ी से ही यहाँ पे खाना को तैयार किया जाता है। और इनका जो खाना है सच में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और यहाँ पे अभी हमारे मसाले को पीसा जा रहा है, तो यहाँ पे जितने भी मसाले डलते हैं सारे मसाले को सिलवट्टे पे ही रेडी किया जाता है। तो यहाँ आज भी बिल्कुल देसी स्टाइल में आप देख सकते हो यहाँ पे मिक्सी का यूज़ नहीं होता है, सारे मसालों को जो दीदी हैं सिलवट्टे पे ही पीस के रेडी करती हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारा मटन देख सकते हो बन चुका है, अब उसे यहाँ पे अच्छा मिक्सचर है। दीदी कैसे खिलाते हैं मिक्सचर? हाफ हाफ है, 50 का है ये। तो यहाँ पे हमारा मटन का मिक्सचर निकल रहा है और देख सकते हो, तो जिन्हें जो भी मिक्सचर लवर है तो एक बार इस होटल पे ज़रूर आप लोग आना और यहाँ के एक बार मिक्सचर को ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों यहाँ पे हमारा कढ़ाही चढ़ चुका है, इसमें तेल भी डल चुका है और यहाँ पे देख सकते हो सारे चूल्हे हैं लाइन से लगे हुए हैं। एक चूल्हे पे मछली बन रहा है, एक पे हमारा चिकन बनेगा, एक चूल्हे पे मटन बन रहा है और इधर कुछ खाने वो बन के भी रेडी हो चुके हैं। तो अगर आप भी इस तरह से गांव वाले एरिया में आते हो और आपने इन सभी जगहों का खाना ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन गाँव वाला स्टाइल से बना हुआ खाने का टेस्ट कैसा लगता है। और एक एक करके यहाँ पे सारे चीज़ों को देख सकते हो बनाया जा रहा है, वो भी मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी की आग से यहाँ पे सारे चीज़ों को तैयार किया जाता है। और इधर देखो गर्मा गर्म तेल में फिश को फ्राई किया जा रहा है और इधर हमारा अंडा और फिश को फ्राई करके रखा गया है, बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश है। और यहाँ पे जो खाने हैं सारे यहाँ के ग्रामीण दीदी लोग ही मिल के बनाती हैं। और यहाँ पे हमारा तेल में प्याज को डाला जा रहा है, तो अब ऊपर से नमक आ चुका है तो
दोस्तों इधर आप देख सकते हो, इधर हमारा मछली बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे प्याज को यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया गया है, पूरा एकदम भून के प्याज को ब्राउन कर दिया गया है। अब इसमें यहाँ पे देहाती स्टाइल से चिकन को बनाया जाएगा। अब इसमें चिकन को डाल के फिर उसे अच्छी तरह से भूना जाएगा। और तो यहाँ पे एक सर है जो कि काफी टाइम से यहाँ पे खा रहे हैं। तो सर यहाँ पे आप कब से खा रहे हैं? सब हम लोग का जब से होटल खुला है तब से हम लोग तब से ही खा रहे हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ का खाने का टेस्ट? देखिए 5 स्टार तो अच्छा ही है, है ना, बड़ी होटल है पर टेस्टी मिलता है क्योंकि यहाँ पे बेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे देसी स्टाइल से मिट्टी और लकड़ी से बनाया जाता है सारे खाने। लकड़ी का चूल्हा से बनता है, खाने में टेस्टफुल लगता है। तो मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एक बार यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, कभी टेस्ट करके जाना चाहिए, 5 स्टार से अच्छा है क्योंकि इस तरह का जो खाना है 5 स्टार होटल में भी आपको खाने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे सारे दीदी लोग अपने अपने कामों में बिजी है, कोई यहाँ पे प्याज काट रही है तो कोई उधर कुछ कुछ खाने को बना रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं यार, ये कहने को झोपड़ी होटल है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सारे चीजों को काफी साफ सुथरे ढंग से यहाँ पे अच्छी तरह से क्लीन करके रखा गया है और सारे खाने को यहाँ पे ना बर्तनों में अच्छी तरह से ढक के रखा जाता है। और दोस्तों मसाले पीसने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो धनिया पत्ता की चटनी भी पीसा जा रहा है, तो उसे भी यहाँ पे सिलवट्टे पे ही पीसा जा रहा है। तो यार यहाँ पे देख सकते हो हमारे प्याज को एकदम ब्राउन कर लिया गया है, लाल कर लिया गया भून के। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा चिकन आ चुका है, अब चिकन डाला जा रहा है। और चिकन का पीस आप देख सकते हो भाई साहब कितना बड़ा बड़ा पीस यहाँ पे मिल रहा है। तो चिकन कैसे खिलाते हैं दीदी? 30 रुपया पीस है, मतलब कोई भी पीस लेंगे, लेग पीस से लेके सीना पीस सारा सिर्फ 30 रुपया में। हाँ, काफी सस्ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इतना बड़ा लेग पीस जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ना सिर्फ 30 रुपए में, तो शायद ही आपको पूरा खूंटी जिले में इतना सस्ता और इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। और पीस का आप साइज देखो यहाँ, हाँ, और यहाँ पे देखो पीस का साइज कितना बड़ा बड़ा आपको यहाँ पे पीस मिल रहा है सिर्फ 30 रुपए में। तो अगर आप खूंटी आते हो ना तो एक बार इस होटल पे आप लोग जरूर विजिट करना, खाने को ट्राई करना और आपको टेस्ट कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने कभी खाया हो तो भी मुझे बताना कि आपको इस होटल का खाना कैसा लगता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे चिकन को एकदम अच्छी तरह से लकड़ी की आग से पकाया जा रहा है और कलर आप देख सकते हो चिकन का काफी अच्छी तरह से भून के इसे एकदम ब्राउन कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक एक करके सारे मसाले आ चुके हैं जो कि पीसे गए थे, अब उसे डाला जाए। तो यहाँ पे क्या क्या मसाला है दीदी? इसमें जीरा, गोलकी और गरम मसाला लगा हुआ है। सारा सिलवट्टे पे ही पीसते हैं ना मसाला? हाँ, सिलवट्टे में पीसते हैं। और दोस्तों चिकन का कलर देख सकते हो, शायद ही आपको बहुत बहुत होटल और ढाबे में जाएंगे तो आपको इस तरह का कलर देखने को नहीं मिलेगा। पूरा यहाँ पे देख सकते हो लकड़ी की आंच से बनाया गया है जिससे कि हमारा जो चिकन का कलर है एकदम पूरा ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पे सभी मसाले भी डाले जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें हल्दी पाउडर को डाला गया है, तो सारे पीसे हुए मसाले और हल्दी पाउडर डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और भुना जा रहा है। और देख सकते हो चिकन का कलर और मसाले का कलर ब्राउन करके इसे भुना जाएगा। तो लगभग कितना देर तक भुनेंगे दीदी? थोड़ा देर ही भुजेंगे, अभी मसाला भुन जा जाएगा तो पानी थोड़ा सा डाल दूंगी। मसाला लाल नहीं हो जाएगा तब तक भुनेंगे ना? हाँ। देख, और ये देखो भाई साहब चिकन का कलर। और चिकन जो दीदी भून रही है ना अभी से ही सारे मसाले डाल दिए गए इसमें और काफी अच्छी खुशबू आ रही है चिकन से, बिल्कुल देसी स्टाइल से यहाँ पे आज हमारा देहाती स्टाइल में चिकन को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है, अब धनिया पत्ता डाल दी गई है, अब इसे अच्छी तरह से ढक दिया जाएगा। और कलर देखो भाई चिकन का पूरा एकदम ब्राउन करके इसे भुना गया है, इसलिए एकदम चिकन का जो कलर है पूरा रेड रेड दिख रहा है। और इधर देख सकते हो इसमें मटन का मिक्सचर को निकाल के रखा गया है, तो यहाँ काफी ज्यादा लोग यहाँ पे मिक्सचर खाना भी पसंद करते हैं जिसे बहुत सारे लोग मिक्सचर बोलते हैं, बहुत सारे लोग पचौनी बोलते हैं। तो आपको ये जो प्लेट है सिर्फ 50 रुपये की है।
और ये देखिए चिकन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं। इसे हम जल्दी से टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ अभी लंच का टाइम हो चुका है और सारे लोग यहाँ पे देख सकते हो होटल में खाना खा रहे हैं और काफी स्वादिष्ट यहाँ पे सारे चीजों को बनाया जाता है। चिकन मटन वेज खाना से लेकिन नॉन वेज की आपको सारे आइटम यहाँ पे खाने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे खाने बनके रेडी हो चुके हैं और चूल्हे के बगल में ही सारे खाने को रखा गया है ताकि वो ठंडा ना हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो गर्म रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपने लिए यहाँ पे खाना लगवाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं और आपको इसका स्वाद बताते हैं। तो यहाँ हमारे साथ इस होटल की दीदी है, तो क्या क्या बनाते हैं दीदी यहाँ? मटन बनता है, चिकन बनता है और मछली बनता है, खस्सी का पचौनी बनता है। और कैसे खिलाते हैं? अंडा बनता है, खस्सी खिलाते हैं 200 रुपए प्लेट, खस्सी 200 रुपए प्लेट, और मुर्गा खिलाते हैं 120 रुपया, अच्छा मछली 120 रुपया, अंडा 60 रुपया। और सब चीज को ऐसे ही आप लोग चूल्हा में ही बनाते हैं ना? चूल्हा में बनाते हैं, लकड़ी से बनता है, लकड़ी से ही बनाते हैं। और इतना गर्मी में भी आप लोग चूल्हा में चार चार तीन तीन चूल्हा में खाना बना रहे हैं, क्या करेंगे सब। और बहुत बहुत स्वादिष्ट होता है आपका खाना, लोग यहाँ काफी पसंद करते हैं। सिलौटी में पीसकर बनाता है मसाला, सारा सिलौटी में पीस के ही बनाते हैं शुरू से ही। अच्छा, और अगर दीदी सिर्फ मुर्गा अगर कोई एक पीस लेंगे तो कितना लगेगा? 30 रुपया ना? 30 रुपया। और मछली का? वो भी 30 रुपया। अंडा का? अंडा 15 पीस। 15 पीस, अच्छा काफी सस्ता खाना है। काफी सस्ता खाना यहाँ दीदी सभी को खिलाती है। 100 रुपए प्लेट, 100 रुपए प्लेट आप लेंगे तो 50। दोस्तों इस होटल की लोकेशन की बात करें तो ये देख सकते हो, ये है यहाँ पे कचहरी और बगल में यहाँ पे ये देखो खूटी कारावास है और कचहरी के बगल में आपको यहाँ पे झोपड़पट्टी वाला होटल दिख जाएगा, यही है भौजी होटल। ये बाहर से आपको दिख रहा है झोपड़पट्टी लेकिन यहाँ के जो खाने हैं ना लाजवाब हैं, तो यहाँ पे एक बार तो आप लोग जरूर आना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है और ये हमारी यहाँ पे आप थाली देख सकते हो, ये जो थाली है ना सिर्फ 30 रुपये की थाली है जिसमें आपको चावल पापड़ सब्जी साग चोखा धनिया पत्ता की चटनी जिसे कि सिलवट्टे पे पीसा गया है, ये हमारा सलाद है और ये हमारे यहाँ पे दाल आ और ये हमारा दाल आ चुका है। तो सारे खाने को यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी से ही तैयार किया जाता है और यहाँ पे जो जितने भी मसाले हैं ना सारे मसाले को सिलवट्टे पे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 30 रुपए में भरपेट वेज खाना खा सकते हो और सच में जो इनका वेज खाना है काफी स्वादिष्ट दिख रहा है। और साथ ही हमने यहाँ पे चिकन लिया है जो कि हमें 30 रुपए पीस पड़ा है, तो आप यहाँ पे चिकन का लेग पीस भी अगर लेते हो तो आपको सिर्फ 30 रुपये में मिलेगा, अगर आप मछली खाते हो तो वो भी 30 रुपये में मिलेगा, अगर आप अंडा करी लेते हो तो वो सिर्फ 15 रुपये पीस आपको दिया जाएगा। तो इस जगह का जो खाने का रेट है काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी गर्मा गर्म खाना है, तो चलिए फटाफट हम इसे टेस्ट करते हैं क्योंकि अक्सर वीडियो बनाने के चक्कर में हमारा जो खाना है वो ठंडा हो जाता है। तो ये हमारा चिकन आ चुका है, ये देखो पूरा, और ग्रेवी देखो भाई चिकन का लटपट सा ग्रेवी है। बहुत सारे जगहों पे अगर आप खाते हो ना तो इतना सस्ता मिलेगा लेकिन वो स्वाद नहीं मिल पाता है, वहाँ पे पानी वाला ग्रेवी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। और चिकन का पीस भी ना काफी बड़ा बड़ा पीस है, और ग्रेवी देखो भाई पूरा एकदम लटपट सा ग्रेवी है और ग्रेवी का जो कलर है ना ब्राउन करके इसे अच्छी तरह से भुना गया है, कलर सच में काफी बढ़िया लग रहा है। और बिल्कुल बहुत ही कम मसाले डाल के यहाँ पे सारे खाने को बनाया गया, आपने देखा बहुत सारे जगहों पे आप जाते हो तो फालतू भर का मसाला उसे डाल के उसे बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल देसी अंदाज में जितना कम से कम मसाले हो वो सारे चीजों डाल के इसे बनाया गया है। सच में मैंने फर्स्ट बाइट लिया मैं तो फैन हो गया इस होटल का, बहुत बढ़िया टेस्ट है। ये देखो बस हम इसको अच्छी तरह यहाँ पे छू रहे हैं और ये अलग हो जा रहा है, तो अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार चावल के साथ मिक्स करते हैं और ऊपर से एक चिकन का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और अब हम इसे टेस्ट। जबरदस्त। तो खाने की बात करें ना तो
सच में काफी स्वादिष्ट है। तो अगर आप लोग खूंटी से हैं या कभी खूंटी आते हैं तो एक बार यहाँ के खाने को जरूर ट्राई करना, और आपको टेस्ट कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो खाने की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा धीमी धीमी आंच पे चिकन को पकाया गया है और काफी टाइम तक इस चिकन को भुना गया है मिट्टी की चूल्हे पे लकड़ी की आंच से, तो इसका स्वाद काफी बढ़ गया है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी थाली को फिनिश करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने देखा कि हमने यहाँ का चिकन खाया तो सच में यार लाजवाब है। शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता कि ये जो चिकन का स्वाद है वो कितना लजीज था। तो मुझे यहाँ का चिकन काफ़ी बढ़िया लगा, और चिकन के साथ में जो यहाँ की वेज थाली है वो भी काफ़ी अच्छे खासे व्यंजन उसमें परोसे गए थे, और वो जो थाली थी सिर्फ 30 रुपये की थाली थी। तो इस जगह का नाम है भौजी होटल, जो कि खूंटी के कचहरी के बगल में पड़ता है, और कचहरी के सारे स्टाफ जितने भी वर्कर हैं सारे लोग इसी होटल में खाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ता खाने के साथ साथ में काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है, जिसे कि मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी की आंच से तैयार किया जाता है। और चटनी से लेके जितने भी गोटे गरम मसाले अदरक लहसुन मिर्चा है वो सारे मसालों को सिलबट्टे पे तैयार किया जाता है, जिससे कि खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो अगर आप खूंटी से हो या कभी खूंटी आते हो तो यहाँ के भौजी होटल के खाने को एक बार आप जरूर ट्राई करना, और आपको टेस्ट कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। मिलते हैं आपसे एक इसी तरह की एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।